हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज कोई डे वे नहीं, आज एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो लेकर आई हूँ दोबारा से। जो कि है बानुज का, वो रहती हैं बैंगलोर में और उनकी जो हाइट है वो 5'3" या 5'4" के अराउंड है। और जी उनका जो वेट था ना 65 से उन्होंने स्टार्ट करा था। मतलब उनका जब शादी हुई तो बेबी कंसीव करना चाहा था, बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वेट गेन ज़्यादा हो गया था उनका, तो 65 पे पहुंच गई थी। 45 था उनका शादी से पहले। तो डॉक्टर्स ने बोला कि भाई मतलब बेबी चाहिए तो वेट लॉस करना पड़ेगा। तो तब उन्होंने मुझे डीएम करा, जब उन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी कि मैं फ्री डाइट प्लान दे रही हूँ 1 मंथ का, 2nd मंथ चार्ज लगते हैं। तो फिर उन्होंने वीडियो देख के मुझे कमेंट करा, डीएम करा, फिर मैंने उन्हें डाइट प्लान दिया। चलो जी बानुज की पहले आवाज़ सुन लो आप कि बानुज क्या कह रही हैं। और वॉइस मैसेज करा था उन्होंने, तो वीडियो पिक्चर वगैरह तो नहीं भेज सकती, तो खाली वॉइस मैसेज भेजा था उन्होंने, वो मैं आपको सुना देती हूँ क्या वॉइस मैसेज है और साथ में गुड न्यूज़ भी है। चलो चलते हैं, दिखाती हूँ। मेरे को वॉइस मैसेज पहली बार बहुत 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 आपका शुक्रिया जी, आपकी वजह से मेरा वेट लॉस हो गया। मेरा पहले वेट 65 64 था दी, उसके बाद मेरा वेट 59 तक पहुंच गया। आपकी जी से गाइडेंस देने वाले और मोटिवेट सपोर्ट करने वाले रहे तो कोई भी कर सकता है। ऐसा टफ नहीं है वेट लॉस करना, सबके लिए भी आसान है। जैसा आप डाइट प्लान शेयर करे हो, गाइडेंस देते हो, ये नहीं खाना, तबीयत के बारे में केयर करते हो, हर एक चीज़ से आप इतना केयर करते हो जी, दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और आपकी वजह से मेरा वेट लॉस भी हुआ है और वो भी फ्री में। दूसरे तो इतना कॉश करते हैं कि चलो यार नहीं करना हमें कोई वेट, ऐसा फील होता है, लेकिन आपने तो फ्री भी डाइट प्लान देके सबका मतलब सबका काम आसान कर दिया दी। दिल से शुक्रिया दी, आप बहुत तरक्की करो, आप जैसे मेंटर हर एक वेट लॉस स्टूडेंट को मिले। मैं दुआ करती हूँ दी आपके लाइफ में बहुत ऊंची मकाम तक आप पहुँच जाए दी। और मेरा वेट ज़्यादा होने की वजह से मैं कंसीव भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरा वेट जब रिड्यूस होगा मैं अब कंसीव भी कर पा रही हूँ और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही थी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। शुक्रिया दी, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और इनका वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करे तो कोई टायर्डनेस, कोई हेडेक ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि कीटो पीटो ऐसा अलग अलग डाइट रहते, पहली बार दी का डाइट प्लान स्टार्ट करके सच्ची में इतना खुशी हुआ कि मुझे पहले के पूरे पुराने ड्रेसेस पूरे फिट हो गए। इससे बड़ी बात क्या होती है जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो माय गॉड हम भाई क्या ऐसा फील हो जाता है। सीरियसली गाइस, दी का डाइट प्लान बहुत बढ़िया है। मैं अब इसके बाहर नहीं कर पाई हूँ बिकॉज मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जो जो मोटे लोग हैं आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टायर्ड नहीं होता, कोई मतलब कोई बीमारी नहीं हो सकती। उतना अच्छा वो अपना सबका भी ख्याल रख के डाइट प्लान देते हैं गाइस। थैंक यू दीदी, तुम्हारा बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, लव यू लॉट। तानी वर्ड्स ही नहीं है आपके बारे में डिस्क्राइब करूं, बस थैंक्स ही बोलना चाहती हूँ दी, थैंक्स अ लॉट। तो ये थी बानुज जो कि अपना वॉइस मैसेज उन्होंने भेजा था, तो मैंने आपके साथ। हाँ जी, तो जैसे उनके डॉक्टर्स बोलते थे, कुछ टेस्ट बताते थे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक टेस्ट होते थे, तो जिसकी वजह से उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती थी। लेकिन उनका पूरा जी जान से मतलब मन था उनका कि मैं वेट लॉस करूँ। लेकिन 2nd मंथ में जो उन्होंने कमाल धमाल मचाया तो बहुत अच्छे से उनका वेट लॉस हुआ। देखो अभी पहले का वेट और अभी का जो वेट है वो मैं डाल दूँगी स्क्रीन पर, बाकी अपना फोटोज़ वगैरह नहीं दे सकती थी वो, मतलब आपको बिफोर एंड आफ्टर की पिक भी सेंड कर दी, मतलब सेंड क्या दिखा देती है। तो ये चीज़ है। और जी हर किसी की ख्वाहिश होती है यार, एक बेबी हो, छोटा सा लड़का हो या लड़की, लेकिन एक तो होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। तो 3.5 साल उनकी शादी को हो गए थे तो बेबी हो ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। कभी ऐसा भी टाइम आया था कि 5 दिन 4 दिन उनका वेट नहीं गया, मतलब स्टक हो जाता है, तो वो हमारा वेट नहीं जाता तो फैट लॉस हो रहा होता है, इंच लॉस हो रहे होते। तो इस बात की टेंशन कोई ना ले अगर वेट ना जाए 3-4 दिन तक, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा होता है लेकिन मैं कोई टेंशन नहीं लेती, मुझे मालूम है अभी मैं डाइट अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, वेट गेन तो हो गई नहीं, तो फिर इंच लॉस हो रहे होंगे। तो ये चीज़ है, आप भी माइंड नहीं करना ज़्यादा अगर वेट 5-6 दिन तक ऐसे ही रहे सेम आए, ठीक है।
आज मेरा खुद वेट सेम आया है मेरा, मैं इतने कोई टेंशन नहीं ले रही, इंच लॉस मेरे हो रहे होंगे। बाकी उनका डाइट प्लान क्या था, उनका जो डाइट प्लान था देखो जी, ब्रेकफास्ट में वो हमेशा सैंडविच या एग ऑमलेट, एग रोल वगैरह ये सब लेती थी, और कभी कभी बेसन चीला, मूंग दाल चीला जब मन होता था, या दाल रोटी सब्जी ब्रेकफास्ट में ले लिया करती थी, ठीक है, पराठा शराठा सब उन्होंने खाए हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में कोई भी सीजनल फ्रूट्स या नट्स वगैरह ले लिया करती थी, या मतलब सीजनल फ्रूट ज़्यादा लेती थी वो। लंच में वो ये कहती थी कि दी मैं घर में अपने लिए अलग से नहीं बना सकती, तो प्लीज़ जो घर का हो सिंपल हो तो वो मुझे बताओ। तो वही जो भी घर में बनता था, सब्जी जैसे बथुआ हुआ, दाल हुई, रोटी जैसे तायरी हुई, वेज पुलाव, चिकन पुलाव, जो भी होता था, लेकिन कम मसाला बनाती तो वो खुद थी, तो कम मसालों में कम ऑयल में वो बना के तैयार करती थी और वो वही खाती थी, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके, ठीक है। अगर आपके घर में आप नहीं कर सकते, जैसे जॉइंट फैमिली है नहीं बना पाते, तो खुद तो बनाओगे ना खाना, तो उसमें थोड़े मसाले और ऑयल कम करके बनाओ, और सबके लिए भी हेल्दी और आपके लिए भी हेल्दी। फिर जी इवनिंग स्नैक में देखो जी, अगर घर में भुना हुआ चना है, भुना हुआ चना, रोस्टेड मखाने हैं, रोस्टेड मखाने, या फिर मॉर्निंग में नट्स नहीं लिए भी गए हुए तो इवनिंग में ले लो ग्रीन टी के साथ, ग्रीन टी एक बार वो लेती लेती थी। और जी फिर डिनर हमेशा लाइट करती थी, पपाया मैं उनको बोलती थी, लेकिन उनको बेबी कंसीव करना था, डर भी रहता था कि नहीं पपाया, तो कभी कभी ले लिया करती थी। बाकी सूप्स वगैरह, चिकन सैलेड या फिर पनीर का सैलेड, टोफू जो होता है वो, या फिर दाल ही ऐसी पी ली, या बॉइल्ड एग ले लिए इस तरीके से, मतलब एक अंडा पूरा, तीन अंडे एक वाइट पार्ट पूरा, ठीक है, चार अंडे, या फिर सूप्स वगैरह उन्होंने बहुत ज़्यादा लिए हैं। ये होता था डिनर। नाइट ड्रिंक में कभी जीरा टी, कभी अजवाइन टी, कभी खाली ग्रीन टी, कभी वार्म वाटर, अगर सूप लिया है तो नाइट ड्रिंक में नहीं देती, स्किप करवा देती हूँ, ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक उनका ज़्यादा जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, या ऑरेंज कैरेट जूस ये रहा था, तो ये उनका पूरा दिन का होया करता था। और बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छे से करी है। कभी कभी टेंशन में आ जाती थी, लेकिन मैं उनको तसल्ली दिला देती थी कि नई पॉजिटिव सोचो और वेट लॉस होगा होगा इंशाल्लाह। देखो यार, अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी वेट लॉस होते ही, और मुझे क्या चाहिए, मतलब खुद पर प्राउड होता है मुझे कि यार मैं भी फ्री में यार डाइट प्लान दे रही हूँ और लोगों को मतलब ऐसी खुशियाँ मिल रही हैं, खुशियाँ दे रही हूँ। तो आप भी वैसा अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का, ताकि आपको भी हिम्मत मिले वेट लॉस करने की। और भाई अगर अपना आपसे खुद से नहीं हो रहा, तो मैं ये कहती हूँ अपने हस्बैंड से बोलो, और डेली का मतलब उन्हें वेट सेंड करो, या फिर मतलब एक कोई ना एक घर में या एक फ्रेंड को वेट भेज दिया करो, या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो भाई मेरे पास आओ, इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझे मतलब फॉलो करके डीएम करो, वहाँ पर मैं बातचीत कर लूँगी, अपना नंबर दे दूँगी, फिर मैं जो भी होगा प्रोसेस, आपका वेट, हाइट और एज, आप क्या करते हो क्या नहीं, सब बातें करके आपका डाइट प्लान मैं बना दूँगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट में करने के लिए बताती हूँ। और हाँ, बानू ने चीटिंग भी बहुत करी है कभी कभी, जब मतलब जैसे होता था कहीं बाहर जा रही है तो मतलब चीटिंग भी ऐसी कैसी चीटिंग खाती है, वो बाहर करती है लेकिन हेल्दी वाला, पोर्शन कंट्रोल करके, ऐसा नहीं कि पिज्ज़ा बर्गर खा लिया ये वो। तो आप भी कोशिश करा करो कि अगर आप बाहर जा रहे हो, या तो मील को कैरी करके लेके जाओ, अगर अचानक चले गए तो भाई वहाँ कोशिश करो कि लो कैलरी वाला और हेल्दी ऑप्शन मिल जाए आपको, ठीक है। तो मेरा मकसद यही है आपको मोटिवेशन देना, और आप मुझे भी मोटिवेशन दिया करो थोड़ा, कमेंट करके, लाइक करके प्लीज़। और बस ये था बानुज का ट्रांसफॉर्मेशन। चलो वीडियो यही थी, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। चलो कल मिलती हूँ डे 10 पे रिजल्ट लेके। चलो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, और कल का रिजल्ट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। चलो कल मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और हेल्दी जियो, बाय बाय।